हाँ तो नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ राजेश और स्वागत है आप सभी का हमारे इस चैनल में। दोस्तों मैं आगे बढ़ने से पहले आपको बता दूँ कि मैं किस टॉपिक पर बात करने कर रहा हूँ, अभी करना चाहता हूँ कि इनकम टैक्स में जो ATC के अंडर प्रोविजन आती है डिडक्शन की, तो उसके बारे में बात करेंगे। इसके बारे में एक चार पांच वीडियो का सीरीज़ बनाएंगे। उसके पहले ATC के अंदर जो आपके लिए भी बेनिफिशियल है और आपको, अगर आप इनकम टैक्स पेयर है तो उनके लिए भी बेनिफिशियल है, ऐसी स्कीम मैं आपको बता रहा हूँ। तो आप दोस्तों, मैं आपको बताना चाह रहा हूँ कि जो सेंट्रल गवर्नमेंट ने लॉन्च की है स्कीम सुकन्या समृद्धि योजना, वो बहुत ही बेहतरीन योजना है। जिनके पास गर्ल चाइल्ड है उनके लिए ये एप्लीकेबल है। इसके लिए आप 8 to 8.5% का इंटरेस्ट अर्न कर सकते हैं इससे। और आपको मतलब ये है क्या, डेट स्कीम में अगर आप मतलब इन्वेस्टमेंट छोड़ के डेट स्कीम, आप इन्फ्लेशन को लेकर अगर कंफ्यूज है और ज़्यादा इन्वेस्टमेंट करना चाहते हो तो वो अलग बात है, लेकिन अगर आप इन्फ्लेशन को लेकर और डेट स्कीम में सबसे बढ़िया स्कीम है, PPF से भी ज़्यादा इंटरेस्ट आपको इस सुकन्या समृद्धि योजना से मिल जाता है। तो आपको मैं बता दूं कि इसका अकाउंट ओपन कौन कर सकता है? इंडियन रेसिडेंट इसका अकाउंट खोल सकता है, NRI यहाँ अकाउंट नहीं खोल सकते स्कीम के अंदर। और कौन मतलब एज लिमिट क्या होनी चाहिए बेटी की? तो एज लिमिट 0 to 10 years इसकी होनी चाहिए। 10 साल से ज़्यादा अगर उम्र होंगी बेटी की तो आप नहीं खोल सकते ये अकाउंट। और दूसरी बात आती है कि आप किस बैंक में ये अकाउंट खोल सकते हैं। तो बैंक में आप किसी भी बैंक में, इंडियन पोस्ट में चले जाइए, SBI, HDFC, बैंक ऑफ महाराष्ट्र है, बैंक ऑफ बड़ौदा है, या बैंक ऑफ इंडिया है, यूनाइटेड यूनाइटेड बैंक, एक्सिस बैंक, ICICI बैंक, किसी भी बैंक में आपका अकाउंट ओपन हो सकता है। इसके बारे में अगर आप अकाउंट मतलब अगर आप एक जगह से दूसरी जगह शिफ्ट हो जाते हैं, समझो आप दिल्ली से मुंबई आ जाते हो, तो आपको, आप मुंबई में भी आपका अकाउंट ट्रांसफर कर सकते हो, शिफ्ट कर सकते हो, ऐसी कोई दिक्कत नहीं, इसमें ये सुविधा रखी गई है। आप एक बेटी के लिए एक ही अकाउंट खोल सकते हो किसी भी बैंक में, दो अकाउंट नहीं खोल सकते। और अगर आपकी दो बेटियां हैं तो आप दो अकाउंट खोल सकते हो, लेकिन अगर आपकी तीन बेटियां हैं तो आप तीन अकाउंट नहीं खोल सकते हो, दो ही अकाउंट, दो ही गर्ल चाइल्ड के लिए ये योजना है। अगर इन केस आपके ट्रिपलेट हुए हैं या आपके ट्विंस हुए हैं तो आपको इसके लिए आप अलाउ करते हैं, आपको तीन अकाउंट भी आप फिर खोल सकते हैं। और इस अकाउंट की ओपनिंग की जो रकम है वो 250 रुपये है, और पहले मिनिमम 250 रुपये है, पहले ये 1,000 रुपये हुआ करती थी, अभी 250 रुपये कर दिए, तो ये भी बहुत बड़ी बात है। डॉक्यूमेंट के बारे में बात करते हैं तो डॉक्यूमेंट में बर्थ सर्टिफिकेट लगेगा, एड्रेस प्रूफ लगेगा, ID प्रूफ लगेगा, फोटो लगेगा, और फॉर्म फिल करना है, सीधी सीधी बात है, इसमें कुछ ज़्यादा ये नहीं है। और अगर आप टैक्स सेविंग स्कीम के अंतर्गत तो 1.5 लाख रुपए तक आप इससे छुटकारा पा सकते हैं। तो डिपॉजिट 250 रुपए से लेकर 1.5 लाख रुपए तक आपको आप डिपॉजिट रख सकते हैं, और किसी भी टाइम एन्युअली आप मतलब एक साल के अंदर 1.5 लाख रुपए से ज़्यादा आप नहीं रख सकते और 250 रुपए से कम आप नहीं रख सकते। 250 रुपए या 1.5 लाख रुपए के बीच में की अमाउंट आपको रखनी पड़ती है। और आपको मंथली इंस्टॉलमेंट में अगर आप 1.5 लाख रुपए एक महीने में भर सकते हैं या 12 महीने में भी भर सकते हैं, ऐसा ही ये सब कुछ प्रोसीजर है। और इसका मतलब टाइमिंग कितना है, इसका पीरियड कितना है, तो 14 साल के लिए आपको ये पैसे भरने पड़ेंगे। आप जो भी 1,000, 2,000, 5,000, 250 रुपये जितना भी भरना चाहते हैं 14 साल के लिए भर सकते हैं, डिपॉजिट कर सकते हैं। और इसकी मैच्योरिटी डेट 21 साल, अगर आप डेट ऑफ अकाउंट, अगर आपने अकाउंट ओपन किया है, अकाउंट ओपन करने के बाद 14 साल तक आपको डिपॉजिट करना है, और डेट ऑफ अकाउंट ओपनिंग के 14 साल तक, और डेट ऑफ अकाउंट के ओपनिंग के
21 साल तक ये अमाउंट आपको रखनी है, उसके बाद ही आपको ये अमाउंट मिलती है। इंटरेस्ट पीपीएफ से ज़्यादा है, 8 साढ़े 8% इसका इंटरेस्ट मिलता है, और इसके हिसाब से गवर्नमेंट के हिसाब से रेट चेंज होते रहते हैं। हर क्वार्टर में गवर्नमेंट रेट कम ज़्यादा करती है या वही रखती है। टैक्स बेनिफिट इसका टोटली एग्जम्प्टेड है। अगर आपको इसका इंटरेस्ट भी मिलता है वो भी एग्जम्प्टेड है, और आप जो इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं वो भी पूरी तरह से एग्जम्प्टेड है। आपको लगेगा कि अभी विड्रॉल इसका कैसे किया जा सकता है, तो इसका विड्रॉल आप जो हायर एजुकेशन है लड़की की उसके लिए कर सकते हैं, और मैरिज के लिए कर सकते हैं, वो भी 50% तक आप विड्रॉल कर सकते हैं इसके अंदर। दूसरी बात ये है कि बीच में विड्रॉ कर सकते हैं या नहीं कर सकते, तो भाई नहीं कर सकते। सीरियस मैटर में ही अगर गर्ल चाइल्ड आपकी डेथ हो गई है या कुछ सीरियस हॉस्पिटलाइज है तो ही ये विड्रॉ हो सकता है, अदरवाइज नहीं हो सकता। और दूसरी बात यह है कि अब आपने 2-3 साल 250 रुपये नहीं भरे, या 250 रुपये से ज़्यादा जो भी आप रकम डिपॉजिट करते हैं वो नहीं भरे, तो आप वो अकाउंट 250 रुपये भर के और 50 रुपये जुर्माना भर के, आप जो पेनल्टी है वो भर के आप ये कर सकते हैं, रिवाइव कर सकते हैं अकाउंट। उसमें कोई ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं आता है, आप वो रिवाइव कर सकते हैं। और इसमें आपको 8.5% कंपाउंडिंग भी, इसका क्या होता है कि इंटरेस्ट रेट 8.5% है और इसका कंपाउंडिंग एनुअली होता है। तो अगर आप 1,000 रुपये मंथली भरते हैं और 14 साल तक भरते हैं, तो आपके 1,80,000 हो जाते हैं। 1,80,000 के आपको 21 साल के बाद 6 लाख रुपए मिलते हैं। इस हिसाब से अगर आप कैलकुलेशंस करें, मैं ऑनलाइन कैलकुलेटर इसके मिल जाते हैं तो आप ढूंढ के वो कर सकते हैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं। तो दोस्तों मैं इतना ही बताना चाहता हूँ आपको कि सुकन्या समृद्धि योजना टैक्स बेनिफिट्स के लिए बहुत अच्छी है। अगर आप सिर्फ सेविंग करना चाहते हैं, पैसा बचाना चाहते हैं कहाँ पर, तो ये अच्छा है। आप आपके लड़कियों के लिए ओपन कर सकते हैं, 2 ही लड़कियों के लिए है तो आप ओपन कर सकते हैं। बहुत ही बढ़िया स्कीम गवर्नमेंट ने लॉन्च की हुई है, और टैक्स बेनिफिट में ETC के अंदर आपको इसका फायदा होगा। धन्यवाद दोस्तों, जय हिंद, वंदे मातरम।